माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी लोहे वाली दुकान पर। वहाँ पर क्या है कि जो सफेद चादर के माल कटवाया था हमने, तो उसी की चौकटे अभी बना रहे हैं। चौकटों में बैंड वगैरह देने लग रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे बैंड दे रहे हैं। जो चादर हमने काटी थी उसमें बैंड दे रहे हैं, और ये बैंड दे के कम्प्लीट हो चुकी है। और ये जो सुराख दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है कब्जे के, और ये डबल पताम की चौखट। ये देखिए कैसे चौखट पूरी तैयार हो जाती है, पूरी की पूरी बाजू। बाद में इसको वेल्ड करेंगे, और वेल्ड करके और ज्वाइंट करके और चौखट बन जाएगी फिर। और ये देखिए कितनी सारी बाजू हैं, ये तैयार करके रख रखी है। बाकी वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं सारी। ये चादर होती है इस तरह की, और इसी को बैंड दे के चौखट का रूप दिया जाता है। पहले एक बैंड दिया, उसके बाद दूसरा, अभी दो तीन, तो तीन बैंड के बाद इतना रूप आता है इसका। और उसके बाद ये चौथा बैंड हो गया, और अभी आएगा पांचवा। इससे क्या होगा, रिबेट बनेगा अब इसके अंदर। अभी ये रिबेट बन चुका है एक तरफ का। अभी इसको घुमा के दोबारा दूसरी तरफ से बैठ देंगे। ये देखिए अभी एक तरफ से एक रिबेट तैयार हो चुका है, और दूसरा रिबेट अब तैयार हो जाएगा। ये कन्नी जो मोड़ते हैं हम हल्की सी, ये मोड़ते हैं ताकि मसाला वगैरह ठीक से अटका रहे, और ईंट वगैरह फंसाई जा सके, और उसकी मजबूती बनती है इसमें। ये देखिए ये पूरी बाजू तैयार हो चुकी है, पूरी कम्प्लीट। और हमारे बाबा जी लगा रहे हैं कब्जों के निशान, क्योंकि कब्जे के सुराख साथ के साथ करने पड़ते हैं। जैसे ये निशान लगा दिए यहाँ पर, हाँ फिर इसमें सुराख होंगे, जो बाजू दिखाई थी उसमें रखे थे जैसे, ये इस तरह से निशान लगाएंगे और बाद में फिर सुराख हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसको सभी को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, और ज्वाइंट करके और चौखट बनाएंगे। फिर मैं आपको आगे बढ़ती हुई दिखाऊंगा चौखट। यहाँ पे कब्जों में नट बोल्ट वगैरह डाले जा रहे हैं, इस तरह से नट डालेंगे फिर साथ के साथ लगाकर कब्जे, और इनको आप चौकटों में सुराख होगा उसके अंदर टाइट कर देंगे, और पीछे से वेल्डिंग कर देंगे इसकी। तो दोस्तों, लकड़ी वाली दुकान पर हमने शुरू किया अभी। कुछ बकायण की लकड़ी के सरकारी ऑर्डर के दरवाजे हैं, तो वो तैयार करवा रहे हैं अभी। और जो सागौन के थे हमारे, वो कम्प्लीट लगभग तैयार हो चुके हैं। ये जाली वाला, ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड में पतली जाली, और जो फ्रंट साइड है वहां पर थोड़ी मोटी जाली दिखाई देगी, जो बर्फी जाली मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और जो सरकारी दरवाजे है वो बनेंगे अभी इस बकायण की लकड़ी के, ये वाली लकड़ी है। अभी इसकी चीर के और यहाँ पर रख लिया है, तो कुछ टाइम में अभी जो हमारी प्लेनर मशीन है इसके ऊपर इसकी रंदाई करेंगे। उसके बाद सुराख वाली आपने देखी है मशीन, वो ये रही सुराख वाली मशीन। और इसमें क्या था, जो पीछे इसका वो स्प्रिंग वगैरह टूट गया था, तो हमने कंप्लीट ठीक कर दिया था। तो अभी ऊपर से लकड़ियां उतार रहे हैं, तो चिराई वगैरह करके कंप्लीट करवा के इस काम को भी और भिजवा देते हैं। तो अभी मशीन तैयार की है, जो पाइप डलेगा उसके सुराख करेंगे इसमें, इन बाजुओं में निशान लगाने लग रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे ये लगाया है पाइप के निशान, और पाइप के निशान होने के बाद उस मशीन से पाइप पर सुराख करेंगे। देखिए अभी इसमें होगा सुराख, चलो भाई दबाओ। और ये देखिए कुर्सी दे दो भाई, दादा को कंफर्टेबल होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से सुराख हो गया, अभी इसके अंदर पाइप डलेगा। ये देखिए प्रॉपर सुराख है ये। सुराख लग गया है, इसमें डलेगा 12 एमएम का पाइप, और 12 एमएम का पाइप अभी ऑर्डर कर देते हैं हम, पूछते हैं। तो ये देखिए ये कब्जे हैं, इस तरह से पीछे नट लगा के और टाइट कर दिए डिबरी लगा के, अभी इनके ऊपर वेल्डिंग करेंगे। और हमारा पहलवान अभी भी जिंदा है,
ये देखिए, अब तो पार्ले जी खा रहा है, पार्ले जी बिस्कुट खाएगा। और अब दिखाता हूँ जहाँ पे, जिन पे वेल्डिंग हुई है, ये रहे इन नट बोल्ट पे, यहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है। उससे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे पीछे की तरफ मसाला भरा, और भरने के बाद भी अगर कब्जा खोलना हो तो आराम से खुल जाएगा। और ये है टापे, जो डबल पताम बीच में मुलियन लगता है उसके ऊपर टापे लगाना पड़ता है। इसको मान लो ये यहाँ पे हो गया और इसको यहाँ पे लगा दिया, ये इस तरह से दोनों तरफ पताम आ जाता है। फिर इस पे इस साइड भी पताम और इस साइड भी, ये बीच में लगते हैं। जब तैयार होगा तब दिखाऊंगा इसके बारे में, तो अभी तो शायद आपको समझ में ना आए। तो दोस्तों, इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किया करो यार। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। कौन है?